बेमेतरा के चंदनू चौकी क्षेत्र अंतर्गत दुष्कर्म पीड़िता युवती के बच्चा जन्म देहे के मामला में 20 दिन बाद भी आरोपी के गिरफ्तारी नहीं होले नाराज ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। पुलिस अधीक्षक आई के एले सेला ला ज्ञापन सौंप के पीड़िता के व्यथा बताईस और आरोपी के तुरंत गिरफ्तारी के मांग करीस। ग्रामीण मन के अनुसार आरोपी है गांव की युवती के जीवन बर्बाद कर दीस। आरोपी है पैसा के प्रलोभन देके प्रकरण खत्म करना चाहत रहीस, लेकिन पीड़िता के परिवार जन अपन बेटी पर न्याय के मांग करत है। पीड़िता हा आरोपी देवीलाल साहू के किराना दुकान में पाछू 3 साल ले काम करत रहीस। ये दौरान देवीलाल के घर में कोई नहीं रहीस था, सामान लेहे के बहाना पीड़िता ला अंदर कमरा में बुला के बलात्कार करीस। आरोपी है घटना के जानकारी कोनो ला देहे में परिवार सहित जान ले मरवाए के धमकी घलोक दीस। FIR किए हैं, अभी तक के कोई जानकारी नहीं है, मस्त घूम रहा है, जो काम किया है मुजरिम है वो। और बच्ची देखो, और ये छोटी बच्ची, इसको भी सामने लाओ। हम लोग दरवाज़ा खटखटा रहे, कोई सुनवाई नहीं है। और डेढ़ डेढ़ महीना में कहाँ है आरोपी, क्या कर रहा है, कोई पता नहीं है। हमको इंसाफ दिलवा दो, हमें इंसाफ चाहिए। क्या हुआ था मामला बताइए। अब क्या, बच्ची काम कर रहा था उसके घर में, बेटी है मेरा, और 6 साल से काम कर रहा, 6 साल से शोषण ही किया है वो, डरा धमका के ये सब कर कुरा के लास्ट मोमेंट में वो फरार हो गया। माँ बाप से दबाव मिला होगा तब वो फरार हो गया। मामला तो हमारी गांव की बच्ची है, नरी में रहती है, और उन्हीं के दुकान पे लड़की काम कर रही थी। देवीलाल साहू नाम के आरोपी हैं, और एक बच्ची को जन्म भी दी है, और उस बच्ची को जन्म देने के बाद अभी तक आरोपी फरार है, पकड़ से बाहर है, अभी तक वो पकड़ में नहीं आया है। तो इसलिए हमारे गांव के बहुत सारे लोग, कम से कम 60-70-80 लोग के आसपास यहां पहुंचे हैं, केवल इसलिए कि इस बच्ची को इंसाफ मिले। और अभी तक के हमको ये ऐसा कोई संतुष्टि हमको नहीं मिली है पुलिस की ओर से कि इसको इंसाफ मिल जाए, या भविष्य में कभी ऐसा हो, ऐसा भी हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि पुलिस की जो रवैया है उसको देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको इंसाफ मिल पाएगा। तो इसलिए आज कलेक्टर महोदय के पास आज हम लोग पूरे गाँव के लोग आए हैं गुहार लगाने के लिए कि जितना जल्दी हो सके जो आरोपी है और अभी तक वो फरार है, वो जल्द से जल्द पकड़ में आए।